दोस्तों हमारी जो है आज ये बेचारी मछलियाँ दोनों की दोनों बड़ी वाली मर गई हैं। ये देखें, ये दोनों मर गई हैं मछलियाँ। पता नहीं कैसे मरी हैं, अब अल्लाह ही जानता है ये कैसे मरी हैं। हालांकि सब कुछ सही है, सिर्फ एक सिल्वर वाली मछलियाँ मर रही थी, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट थी। ये पता नहीं दोनों की दोनों एक साथ मरी हैं, क्या वजह हुई है अल्लाह ही जानता है। के अलावा अब देखते हैं, और बाकी नीचे जा जा के बैठ रही हैं, पता नहीं क्यों, या तो भी थक गई हैं इस वजह से नीचे जा के बैठ रही हैं। ये सब की सब नीचे जा जा के बैठ रही हैं, बाकी जो हैं वो ऊपर खाना खा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारी दो मछलियाँ बड़ी वाली जो हैं वो मर चुकी हैं, और उसके अलावा बाकी जो मछलियाँ हैं वो नीचे नीचे बैठ रही हैं जा जा के। अब पता नहीं क्यों बैठ रही हैं, अल्लाह ही जानता है, बाकी तो सेट है वैसे वो लोग ना। और हम लोगों ने अभी मुर्गों वगैरह को खोल दिया है, सिर्फ इस वाली मुर्गे को और इस वाली मुर्गी को खोला है, और इन लोगों को भी दाना वो घास वगैरह दी है अभी थोड़ी सी, बाकी खरगोशों वगैरह को भी डाल दी है घास। और ये मुर्गियों को भी नहीं खोला क्योंकि ये आपस में जो है ना, ये दोनों की दोनों जो है बहुत लड़ रही हैं। दोनों मुर्गियाँ जो ब्राउन वाली दोनों मुर्गियाँ हैं दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मारी, तो इस वजह से अलग अलग बन गया हुआ। ये अभी इन लोगों की आपस में सुलह हो जाए थोड़ी सी, एक मरतबा छोड़ना पड़ेगा, आपस में लड़ाई होगी, जो हार मान जाएगी वो पीछे हट जाएगी, उसके बाद लड़ाई नहीं होगी। तो करता हूँ मैं इसको इस तरीके से, बाकी देखते हैं क्या होगा इन लोगों का। तो आज हमारी ब्लैक वाली मुर्गी ने भी माशाल्लाह अंडा दिया है, बाकी तो तीनों देने लगे थी, ये ब्लैक वाली नहीं दे रही थी, लेकिन अभी जो है हमारी ब्लैक वाली ने भी मुर्गी ने अंडा दे दिया है। ये हमारे जो है चीनी मुर्गियाँ, चीनी मुर्गा और चीनी मुर्गी, ये रहे आराम से, मतलब कि बस वो उनके अंदर चूल है, या हर वक्त जो है मुर्गे से पंगा लेते रहते हैं, सिर्फ मुर्गे से लड़ाई के चक्कर में लगे रहते हैं और कुछ भी नहीं। कबूतर जो है वो माशाल्लाह ब्लैक वाला कबूतर जो है वो अंडों पे बैठा हुआ है, और माशाल्लाह अब इस मरतबा बिल्कुल सही है हिसाब किताब ना, इस मरतबा कोई परेशानी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पिछली मरतबा तो फर्श था, कुंडाली के अंदर रखा हुआ था, तो ये फर्श से जैसे ही नीचे उतरते थे तो अंडा जो है ना इनका ज़मीन पे गिर जाया करता था। अभी जो है वो पेटी के अंदर है, तो इसलिए माशाल्लाह बिल्कुल सेफ है, कोई परेशानी नहीं हो रही है बिल्कुल भी इन लोगों को, सिर्फ इस वजह से कि पेटी के अंदर है ना। अब इनका जो है हिसाब किताब बहुत अच्छा बन गया है, अब देखते हैं इंशाल्लाह इनके कैसे मतलब के बच्चे निकलेंगे। उनके तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि ये ब्राउन वाले वाइट वाले जो हैं कबूतर, इनके बच्चे तो माशाल्लाह बिल्कुल अपने माँ बाप के जैसे ही हैं। ये देखें बिल्कुल अपने माँ बाप के जैसे हैं, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। वही दुमे जो हैं इनकी ब्लैक आ रही हैं, और गर्दन के पास हल्का फुल्का सा ब्लैक है, बाकी जो है वाइट जो है टोटल वाइट बाल आ रहे हैं इनके। ये देखें कैसे काटने को आ रहे हैं, अजब काट काट। अभी सरों पे जो है इन लोग के रुआ ही है येलो कलर का ना, तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आएगा। लेकिन ये देखिए पाँव के ऊपर माशाल्लाह से बाल देखें कितने सारे हैं, पाँव के ऊपर अच्छे खासे बाल हैं, फुल फट्टेबाज बनेगा लगता है ये देखें फुल फट्टेबाज बनेगा ये। चलो हमारे ये देखो गंदगी कितनी मचाई हुई है, अभी इनकी गंदगी साफ़ करते हैं ताकि साफ़ सुथरा इनको माहौल मिल जाए। बाकी अभी यहाँ पे जो ना मट्टी डालनी है, ये मट्टी बनाएंगे डालेंगे, और यहाँ से लेकर इनका यहाँ तक का पूरा घर बनाएंगे, इधर तक का इनका घर बनाएंगे, ताकि जो है, और यहाँ पे छोटा सा दरवाज़ा देंगे, और यहाँ पे मट्टी डाल देंगे, टोटल बालू मट्टी डाल देंगे, उसको भी भर देंगे और मट्टी से, और इधर भी भर देंगे और मट्टी से ना, ताकि इन लोगों का जो है ना आराम से ये प्रॉपर तरीके से सेटअप बन जाए, ताकि ये गंदगी भी करें तो इन लोगों को कोई फ़र्क ना पड़े, ये आराम से उसके अंदर रह सकें, और बाकी हम लोग जो है आराम से जो है ना निकाल सकें वो गंदगी को ना, तो बालू मट्टी का ये फ़ायदा हो जाएगा हम लोगों को। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं किया है, ये जैसे ही ये पिंजरा हटेगा यहाँ से, ये पिंजरा जैसे ही हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो फ़ौरन जो है हम यहाँ पे ये इन लोगों का घर बना देंगे बकरों वगैरह का ना। तो उससे ये है कि ये गंदगी भी करेंगे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मट्टी होगी मौजूद तो कोई टेंशन नहीं है। और फाइम जो है वो अभी मुर्गियों वगैरह को, इनको सबको जो है दाना पानी ये सारी चीज़ें करता है, तो वो भी फारिग हो जाएगा इंशाल्लाह। जल्दी सबका तकरीबन हो चुका है,
बस अब मुर्गियों का पानी वानी रह गया है बस, तो बस वो दे दे तो इंशाल्लाह ताला वो भी फारिग हो जाएगा। अभी जो है क्या हुआ भाई, ये बड़े बड़े जो ना शैतान है ये छोटे चूजे ना, माशाल्लाह बड़े हो गए हैं लेकिन हैं वही फड्डेबाज हैं, फड्डेबाज ही भाई है बहुत। मुर्गा इंतजार है, मुर्गा बोल रहा सिर्फ एक मुर्गी को खोला भाई, दूसरे को तो खोल दो, खिला रहा है वो भाई, ये देखो आवाज़ें दे रहा है कि आ जाओ आ जाओ खा लो। तो भाई मुर्गा केयर बहुत करता है मुर्गियों की, मुर्गा जो है केयर बहुत करता है। ये देखो बटेर वो क्या मस्सी चाहिए। अभी आज मैंने जो है बटेरों को जो है वो घास भी दी है, तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा घास खा लो, थोड़ा सा टेस्ट ले लो घास का। ये देखो ये फुल 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 मस्ती जी। ये हाँ ये चूजों की फीड है, ये बड़ी लाया, हाँ थोड़ी सी बड़ी लाया, माशाल्लाह बड़े हो गए हैं यार, अब के थोड़ी बड़ी लाया हूँ ताकि ये जो है थोड़ा सा खा लेना, मिक्स है हाँ हाँ बहुत है। तेरी जो पड़ जाती है ये है ना, ये देखो ये जो है शिकारी ये आके फाड़ते हैं, यहाँ पे भी थैली रखी है तो ये भी थैली के ऊपर चढ़ जाएंगे, थैली को फाड़ने की कोशिश करेंगे, ये ना शिकारी, ये शिकारी गुंडे, ये दोनों के दोनों गुंडे हैं गुंडे। अभी ये वाला जो है ना ये अभी मैं इन लोगों को खोलूंगा ना, इन लोगों को तो मुंह से पकड़ के इन लोगों का यूँ मुंह से नोचेगा उन लोगों को और पूरा पिंजरे तक छोड़ कर आएगा उनको कि चलो अंदर जाओ, बाहर आने की ज़रूरत नहीं, बाहर का गुंडा मैं हूँ, ऐसा होशियार है ये बहुत। ये गुंडा ये इन लोग किसी को भी नहीं छोड़ता, ये जितने भी हैं सबके सब डरते भी हैं भाई इससे, हालांकि देखा जाए तो साइज़ में उससे बड़े हैं, साइज़ में ये वाले कबूतर ये बड़े हैं कबूतर, लेकिन भाई गुंडा है भाई वो। ये आए हुए हैं लाहौर से, ये भी लाहौर का जोड़ा है, ये ब्राउन वाइट और ब्राउन, और ये बच्चा है इनका और बाप ये रहा, ये जो है ये लाहौर से आए हुए हैं लेकिन ये है कराची का। ये देखो ये फिर पहुंच गए यहाँ पे, ये कराची का है तो बस ये कराची के हैं, तो फिर गुंडागर्दी दिखा रहा होता है थोड़ा सा, लेकिन बन जाएंगे अभी जब ये साथ एक साथ जाएंगे थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर इनको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर ये इंशाल्लाह ताला एडजस्ट कर लेंगे आपस में। पानी रखेगा अब इसकी आदत देखना क्या करेंगी देखो सारा पानी तो गिरवा दिया इन्होंने, ये संभलते नहीं है ये चार, लेकिन संभलते नहीं है ये, बिल्कुल काबू में नहीं आते बिल्कुल भी भाई ये, इसको भी पानी वाली पूरा दिया हुआ है, नहीं पानी नहीं डाला हुआ, पानी डालो उसमें यहीं से अंदर से डाल दो ना चूजों के उसमें से डाल दो, ये नहीं गिरेगा, अरे हटो चलो हटो चलो 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 वहां चलो वहां चलो। ये देखो ये तो ना ये यहीं कोने कोने पे यहीं पे इसी जगह पे मंडलाते रहेंगे, इन लोगों को भेज रहे हैं लेकिन नहीं वहां नहीं जा रहे। लाइट चली गई है और ये देखें फ़िल्टर वगैरह बंद हो चुका है, और ये हमारी जो है अब देखते हैं, और नीचे जा जा के मछलियाँ बैठ गई हैं, ये देखें नीचे ज़मीन पे बैठ गई हैं मछलियाँ, अब ये देखते हैं अब लाइट कब आती है। हाँ ये देखें ये धूप लगाने लग गई, मैंने थोड़ा सा धूप का ये हिस्सा खोल दिया, मैंने कहा चलो थोड़ी सी धूप आ जाए अंदर, तो थोड़ी सी धूप आई है तो सारी की सारी मछलियाँ आके यहाँ पर धूप लगा रही, शायद ये है कि वह पानी शायद ठंडा है तो इस वजह से हो सकता है ये यहाँ आके इसलिए बैठ रही हैं। अभी जो है हमारी सारी फिंच वगैरह सारे तोते वगैरह इन सब का दाना पानी आराम से हो चुका है, आराम से ये लोग जो है अब अपना खाना वगैरह खा रहे हैं माशाल्लाह से, सबका हो गया, सिर्फ फिंच सिर्फ ये मुर्गी का भी कर दो, पानी रख दो उसके अंदर भी आराम से, ये सबका हो गया माशाल्लाह दाना पानी।
सब आराम से अपना दाना वगैरह ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। बकरे देखो कैसे बैठ गए हैं सुकून से। अच्छा इनको छिलका दिया और अभी दरअसल इनके लगे हुए मोशन, तो इन लोगों को जो है ना इसलिए छिलका देना सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं देना इनको। तो इंशाल्लाह ताला हाँ इसमें ज़रा छिलका डाल दो और हाँ सही है, भूसी है मसला नहीं। वो देखो उसको ज़मीन का ही खाना है। अबे भाई वहाँ पर दे तो दिया, पीछे पीछे करो इसको। बस ये देखो आराम से ये खाते रहेंगे। अभी यहाँ पे ये पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा फ्रेंड जल्द से जल्द अपन लोगों को। बस ये थोड़ा सा ये बच्चे हटे, ये कबूतर के बच्चे हटे यहाँ से, तो फिर हम लोग ये सेटअप बनाएं ताकि सबका एक अपना अपना सेटअप हो जाए और हम लोग जो हैं फिर आराम से हर एक चीज़ को खोल भी सकें। अभी हम लोग खोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वजह यही है कि सेटअप अपना अपना नहीं बना हुआ अभी ना। अभी हम लोग सिर्फ लेकर आ गए हैं और कुछ भी नहीं हो गया सबका। हाँ माशाल्लाह सबका दाना पानी हो गया। अच्छा इनका कौन देगा पानी? चीनी मुर्गी को दो पानी या वो बाजरा है ना? बाजरा तो डाल दिया मैंने, इनका दाना डाल दिया है, सिर्फ इनको जो है ना पानी दे दो बस आराम से इन लोगों का जो ना, ताकि दाना पानी हो जाए अब। अच्छा दोस्तों अब हम लोग के जो है एक परिंदे के जो है ना कोशिशों में लगे हुए हम लोग, तो इंशाल्लाह ताला अगर वो आ गया तो बहुत मज़ा आएगा। आप लोग भी देखिएगा, आप लोग का भी दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी कोई उम्मीद लग नहीं रही है, वो बोल रहे हैं उसके अंडे बच्चे जो होते हैं वो गर्मियों में होते हैं, देखते हैं कब होगा, कब उनका नंबर आएगा। हो सकता है किसी के पास हुआ तो इंशाल्लाह ताला हमें ज़रूर मिल जाएंगे, बाकी अब देखते हैं अल्लाह मालिक है। चले अब जो है सबका दाना पानी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, सब अपना आराम से खा रहे पी रहे हैं। इसको देखो ये यहाँ लगी पड़ी है इधर उधर भागने में। हाँ बस अब इनका भी दे दो और उसके बाद जो है ये सबका हो जाएगा आराम से दाना पानी। तो ये हो गया आराम से, ये देखो ये भी खाने लग गया आराम से बैठ के। ओके तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तहसीन एंड टाइम मिनी जू के नाम से हमारा चैनल है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी रोज़ आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।